रांची के तारा शादेव केस में आरोपी और तारा के पति रकीबुल उर्फ रंजीत को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज रकीबुल उर्फ रंजीत को कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान एबीपी न्यूज से बात करते हुए रकीबुल उर्फ रंजीत ने पत्नी के लगाए आरोपों से इनकार किया। बड़े बड़े लोगों से रिश्ते को लेकर भी रंजीत ने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। आपको बता दें कि रंजीत उर्फ रकीबुल पर पत्नी ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। सेक्स रैकेट चलाने और हवाला जैसे कारोबार के आरोप भी पत्नी ने तारा ने उस पर लगाए थे। गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है कि रंजीत उर्फ रकीबुल के कई जजों और बड़े लोगों से रिश्ते थे। झारखंड में कारोबार चला रहा था रकीबुल, क्या कुछ करता था उसको लेकर कई आरोप लगे, लेकिन अब उन आरोपों से इनकार किया रंजीत ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए। रंजीत, ये बताओ, ये जितने भी आरोप लगे हैं क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है जो भी है। मैं तो खुद परेशान हूँ, मम्मी मेरी कस्टडी में, मेरा पमेरियन डॉग पता नहीं कहाँ है, तीन ही लोग हम लोग परिवार में, और तीनों मतलब वो घर की चीज को इतना बड़ा राजनीतिक रूप दे दिया है, मुझे नहीं पता अब मेरे चलते कितने आरोप किसकी किस पे लग रहे हैं और ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। लेकिन तुम जो है क्या इतने बड़े लोगों से जान पहचान में थे, कितने जजेस से, कितने जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, पॉलिटिकल में? देखिए, मैं कौशल विकास संस्थान का चेयरमैन हूँ, है ना, तो मेरी कंपनी है, तो सामाजिक आदमी हूँ, 22 वर्षों से रांची में रह रहा हूँ, जितने भी ऑफिशियल अधिकारी हैं मिलना जुलना सभी से जान पहचान है। लेकिन ये मेरी पर्सनल, जो मेरी वाइफ ने मुझे 498A में मामला दर्ज किया, इसके बाद जितने भी मेरे फोन पे कॉन्टेक्ट लिस्ट थे उन लोगों ने निकाल के पता नहीं क्या क्या उसमें छापा है, क्या क्या मीडिया ने किया है। ठीक है, 498A का मामला है वो एक अलग चीज, लेकिन किन किन लोगों से, जजेस में, जुडिशरी में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किन किन लोगों से कैसे जान पहचान थी उनसे? पॉलिटिकल में मुझे मुलाकात सभी से होती है, क्योंकि मैं एनजीओ हमारा है, एनजीओ के काम से मंत्रालय जाना पड़ता है, सभी से मुलाकात है। लेकिन ये पर्सनल लाइफ को उनके उन लोगों के साथ जोड़ना ये गलत बात है। मेरी ये मेरी पर्सनल निजी लाइफ है, अगर उसको मेरे से कुछ परेशानी है तो मेरे से आके बात करे। वो लड़की राजनीति कर रही है और मैं देखिए मैं अरेस्ट हुआ हूँ, पड़ा हूँ। बिल्कुल, लेकिन जुडिशरी में आपकी कैसे जान पहचान हुई है अचानक, इतने सारे जजेस से जान पहचान? देखिए, जुडिशरी बोल के मुझे कोई जान पहचान नहीं है, अगर वो बाई पर्सन जान पहचान है। अब कहीं शादियों में मुलाकात है, कहीं किसी मीटिंग में मुलाकात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो दोस्त है सुरजीत वो डीएसपी है। लेकिन डीएसपी से क्या मतलब है मुझे? मुझे सुरजीत से मतलब है, बाई पर्सन से मतलब है, मुझे आपसे मतलब है। अब आप स्टार न्यूज में हो, किस जगह पे हो, मुझे क्या पता है। तो ऐसे में आपकी जजेस से जान पहचान है आप ये मानते हैं, क्योंकि आपके, अगर मैंने कभी इन लोगों का गलत इस्तेमाल किया हो तो आप बोलो, कभी किसी चीज के लिए कहा हो तो आप बोलो, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर किसी से जान पहचान रखना वो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी शख्स से एक एक दिन में चार चार पांच पांच बार बात, और आपके घर से वो दस्तावेज मिलना, जुडिशरी से जुड़े हुए दस्तावेज मिलना, नामधारी का ये कहना, नामधारी का फिलहाल कस्टडी में जो है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, और अब जो हस्ताक्षर है पुलिस वो कार्रवाई करवा रही है। रंजीत का यही कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है, और रही बात जान पहचान की तो वो निजी जान पहचान है। रंजीत, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जो जजेस से जिनसे आपने बात की है दिन में दो दो तीन तीन बार, क्या वो निजी बात है, क्योंकि आपके घर से जो दस्तावेज मिले हैं कोर्ट से जुड़े हुए? देखिए, हमारे यहाँ हमारे काफ़ी करीबी बड़े बुजुर्ग मिश्रा साहब थे, तो वो अपना रांची प्रैक्टिस करते हैं, तो आते समय उन क्या है नहीं है वो उनकी डॉक्यूमेंट है, और मैंने कोई डॉक्यूमेंट हमारा तो उसमें कुछ है नहीं। आप किसी जज की गाड़ी से ही यहाँ से दिल्ली तक पहुँचे हैं? जी नहीं, मैं अपनी गाड़ी से गया था, ऐसे बिल्कुल गलत बात है। बाकायदा जो है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल के सामने आए वो नहीं, वो सब चीज़ कोर्ट की चीज है, आप इंटरनल चीजें हैं, आप इसमें बहुत ज्यादा बस आप फैक्ट को समझिए कि क्या बात है। आप पिछले 5-7 साल में ही, क्योंकि आपके घर से जहाँ पर आप रहते थे वहाँ पर भी होकर के आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप 5-7 साल में अचानक, क्योंकि लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, इस वजह से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि 5-7 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक कहाँ से कहाँ पहुँच गए? देखिए, 5-7 साल में खुद हैरान हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया है। मकान मेरे किराए पे है, गाड़ी मेरी लोन पे है, बैंक बैलेंस आप चेक कर लो, किस बात के लिए आप ये सब उठापटक कर रहे हो? आप मुझे बताओ तो सही कि मेरी संपत्ति कितनी है, ये क्या है, आप बताओगे?
साफ तौर पर रंजीत का यही कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो जो है गलत हैं, वो 498A यानी कि दहेज उत्पीड़न का जो एक मामला है उसके तहत ये किया गया। और रही बात किसी से जान पहचान की, वो सिर्फ जो एक जान पहचान है तो उस पर जो है आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, वो एक निजी जान पहचान है। हालांकि कई सारे ऐसे सवाल हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिलहाल रंजीत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो एबीपी न्यूज पर आप सुन रहे थे पहला इंटरव्यू रंजीत उर्फ रकीबुल का, जो अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और जो उसकी पत्नी तारा शाहदेव ने आरोप लगाए हैं उन्हें भी खारिज कर रहा है। आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं, ये पूरा मामला है क्या, कहां से शुरू हुआ और कैसे रंजीत सलाखों के पीछे पहुंचा। पत्नी पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा था। पत्नी के मुताबिक रंजीत का असली नाम रकीबुल है और उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन करवाए। ये आरोप सबसे पहले पत्नी ने लगाया था। उसके बाद पत्नी ने ये खुलासा किया था तारा शाहदेव जिनका नाम है कि ये सेक्स रैकेट और हवाला कारोबार से भी जुड़ा हो सकता है। ये भी रंजीत और रकीबुल पर आरोप लगाया था तारा शाहदेव ने। और आरोपों के बाद दिल्ली से रकीबुल की गिरफ्तारी हो गई थी। पुलिस पूछताछ में कई खुलासे हुए। पुलिस ने रंजीत और रकीबुल के घर की तलाशी ली, उसमें कई जज और अधिकारियों से रकीबुल ने जो खुद तो रिश्तों की बात कबूली थी, घर से दस्तावेज बरामद हुए, 36 सिम कार्ड बरामद हुए, 15 मोबाइल फोन बरामद हुए। और आज ये सभी आरोपों को आप सुन रहे थे इंटरव्यू में खारिज कर रहा है रंजीत और रकीबुल।